लेकिन हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, ना उसके बारे में ज्यादा समझते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी बहुत बड़ी लेवल की जो भी चीज है वो बनती है छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ, छोटे छोटे चीजों के साथ। हम जो भी काम करते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, इलेक्शन। हमें लगता है कि एक मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ही ये जो चीज जो हमारे आजू बाजू हो रहे हैं, पूरी दुनिया अगर उसके बारे में बार बार बात कर रही है, बार बार पूछ रही है, तो उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। दूसरी ऐसी बात है कि इस आधे घंटे में या 30-40 मिनट्स में जो भी टॉपिक्स मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं तो सिर्फ इसमें ओवरव्यू दे सकता हूं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, विनंती है कि आप इसके बारे में खुद भी पढ़ाई किया कीजिए, जाइए देखिए एक्चुअली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। और इस प्रोसेस में आप सभी लोग एक बेटर, एक एजुकेटेड, लर्नेड ऐसे एंटरप्रेन्योर करके सामने आएंगे। और इसका आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ कोई संबंध नहीं। आप इसको कन्नड़ी में पढ़िए, गुजराती में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, इसके पहले, आज के टॉपिक से पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है आज गुरु नानक जयंती है, और आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक संगठन को जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा एक संगठन है पूरी दुनिया में जो बना है दुनिया के सभी राष्ट्रों का। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासंघ कह सकते हैं। और ये बना 1945 में, इसका जन्म हुआ 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो आने वाले दिनों में अगर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका हल, उसका सॉल्यूशन साथ में मिलके हम लोग करें, इसके आगे कोई भी युद्ध ना हो, इसीलिए इस संगठन का निर्माण हुआ। जब इस संगठन का जन्म हुआ, तब 50 देश थे जिन्होंने इस संगठन में इसमें शामिल हुए। लेकिन आज की तारीख में दुनिया के सभी जो देश है, ये इसका हिस्सा है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और इस संगठन का अगर उद्देश्य आप देखेंगे, तो उसका उद्देश्य यही है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी अभी विकास हो रहा है, वो इस तरह से विकास करे कि वो सस्टेनेबल हो। जब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा काम हो कि जिसमें दुनिया के सभी लोगों का समान संतुलित ऐसा विकास हो। ये यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए 17 ऐसे लक्ष्य रखे। इस 17 लक्ष्यों में हमारे जो कॉमन, जो रोटी कपड़ा मकान, उससे लेके जो बहुत डिफिकल्ट ऐसी चीजें हैं, यानी पानी के नीचे का पर्यावरण, जमीन के ऊपर का पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीजों को रखा है, और इन सभी को चीजों के लेके उनके लक्ष्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का यही मकसद है कि इन सभी चीजों का हम लोग ख्याल रखें, और इसीलिए उनकी एक अलग अलग सबकी शाखा है जो इसमें काम करती है। आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसका नाम है UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन यानी सम्मेलन। दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशंस का बहुत अहम एक शाखा या ब्रांच बन चुका है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में काम करता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे अभी दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, आज ग्लोबल वार्मिंग के चीजों के बारे में हम लोग तो समझते हैं, उसी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा करने के लिए, इसको समझने के लिए, सबसे पहली परिषद या कॉन्फ्रेंस जो बनी थी वो 1992 में थी। अगर UNFCCC इसकी मैं बात करूं, तो इसका इसके फुल फॉर्म में आपने देखा होगा, एक कन्वेंशन से शुरुआत हो गई, यानी एक सम्मेलन के साथ शुरुआत हुई, एक कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्नेह सम्मेलन करते हैं, उस तरह से सभी देश के, दुनिया के देश आए, और इन्होंने इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सोचा, और सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम लोग सब मिलके इस ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करेंगे, और पूरी दुनिया को, धरती को, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे।
तो ये उन्हें उन्होंने फैसला किया, लेकिन करना क्या है इसके लिए उन्होंने सोचा कि हर साल हम लोग सभी देश मिलके आएंगे, इकट्ठा आएंगे और इसके बारे में काम करेंगे, और उसी चीज को बोलते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज यानी ये सभी देश जब आते हैं, मिलते हैं और जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे ही हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या सीओपी। लेकिन इसका नाम अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऐसा रखा गया है। तो जब 1992 में सबसे पहली बार इन्होंने इसके बारे में सोचा और काम करना शुरू किया तो उसको कहते हैं सीओपी की शुरुआत। उसके बाद 93 में जर्मनी में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो और उसे कहते हैं COP1। तो सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और उसके आगे का जो भी नंबर रहता है वो ये दर्शाता है कि कितवा सम्मेलन है, कितवी कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस का, इस सम्मेलन का, या ये जो अभी बढ़ रही है ये जो शाखा है यूनाइटेड नेशंस की, उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों लक्ष्य वही है जो एमसीएल का है। आज एमसीएल के तहत हम सभी लोग एक बिजनेस का एक रोडमैप, एक ब्लूप्रिंट करके काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सालों पहले जब मैंने और मेरे कुछ साथियों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हम ये बिजनेस करके हमने इसमें काम नहीं शुरू किया। हमारा सिर्फ एक ही मकसद का इस था कि इस दुनिया को, इस धरती को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाए। तब ये ईंधन इतना महंगा भी नहीं था जितना आज हम लोग देख रहे हैं। और इसके साथ ये हमारे जो किसान हैं सभी लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा अच्छी एक जिंदगी हम लोग दे, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो एमसीएल का जो विजन और मिशन के साथ एमसीएल काम कर रही है, लगभग उसी विजन और मिशन के साथ UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस की ये शाखा भी काम कर रही है। और वो क्या है, तो फोकस्ड है कि इस दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचा, ये एक सिंगल फोकस के साथ ये लोग काम करते। तो उसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ये हमारे यहां जो पृथ्वी है और बाजू में जो उसका पर्यावरण है जिसे हम वातावरण भी कहते हैं, ये वातावरण में जो तापमान है वो बढ़ रहा है और उसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये कैसे बढ़ रहा है? तो आम तौर पे क्या होता है कि सूरज की किरणें आती है, जो ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा चली जाती है, सिर्फ थोड़ी सी ऊर्जा यहां रहती है जो हमें सबको ऊर्जा प्रदान करती है, जो वनस्पति वगैरह जो ऊर्जा लेती है उससे लेती है। अगर आप लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, जो चित्र है वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाली जो ऊर्जा है वो जो तीन तीर है उसमें दिखाई गई है लाल तीर में, और जाने वाली जो ऊर्जा है वो पीले तीर में दिखाई गई है। नॉर्मली आम ऐसा होना चाहिए कि उसमें से सिर्फ तीन तीरों में से एक तीर नीचे रह रहा है और दो तीर ऊपर जा रहा है, यानी जो ऊर्जा सूरज से आ रही है वो जा भी रही है, थोड़ी सी यहां रह रही है जो इस प्राणी मात्र सबको सजीवों को लगती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो वहां तीनों के तीनों तीर जो बाहर जाने चाहिए, उसमें से दो बाहर जाने चाहिए, वो तीनों भी नीचे आ रहे हैं। इस वातावरण में कुछ गैसेस, कुछ वायु ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो वायु इस ऊर्जा को पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, और इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये वायु। और अगर एक वाक्य में यूनाइटेड नेशंस का, इस UNFCCC का अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि इस ये जो वायु अभी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं ना, उसको नियंत्रित करना, उसको स्टेबलाइज करना, ये एक ही सिंगल मकसद है। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो यूनाइटेड नेशंस का, UNFCCC का सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये लाइन है। वो लाइन क्या है कि ये जो पूरे पर्यावरण में, दुनिया में पर्यावरण में जो मनुष्य का हस्तक्षेप हो रहा है उसको बंद करना। ये जो हम लोग आज पूरे पर्यावरण को हम लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है उसको बंद करना। और वो कैसे, तो ये जो वायु हमने देखे, इस वायु को स्टेबलाइज करके। और इसलिए फिर उन्होंने एक टारगेट रखा है कि कितना, कौन सा देश कितने वायु छोड़ रहा है, उसके लिए बेसलाइन ईयर कौन सा है, 1990। तो ये जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये जब भी आते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई एक्शन प्लान बनाते हैं, तो उस एक्शन प्लान का जो बेसलाइन होता है वो है 1990। अगर उन्होंने कहा कि भारत देश को कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो गैसेस है उसको इतना कम करना है,
तो कितना कम करना है, तो वो टारगेट क्या देंगे कि आपका 1990 में जितना था उससे आपको इतना करना है। तो पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के देश को जो टारगेट दिया जाता है वो है 1990 में जो आप करते थे उत्सर्जन इस वायु का उसके ऊपर। और ऑफ कोर्स दूसरी जो चीज है जिसके ऊपर सभी पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस काम कर रही है वो है टेम्परेचर। अब ये ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना कितना होना चाहिए, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए? तो दोस्तों पूरी दुनिया का और यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है कि हम इस तापमान को जो प्री इंडस्ट्रियल जो तापमान था उससे ज्यादा कितना बढ़ना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस। और कब तक? 2100 तक। 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से आगे चले जाएंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। अभी तो यूनाइटेड नेशन और UNFCCC का एक ही मकसद है, पेरिस एग्रीमेंट का एक ही मकसद है कि 2 डिग्री सेल्सियस भी बहुत कम होना चाहिए, और वो होना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम जिस तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं अगर वैसे ही चलता रहा तो ये तापमान 2.7 इतना बढ़ जाएगा, और आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते क्या होगा अगर ये 2.7 बढ़ गई, ये दुनिया बचेगी नहीं। दूसरा, अगर हम लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं सब लोग मिलके अगर उसमें काम करें तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा 2.4। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन काम करे कि 2.4 भी बहुत ज्यादा है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग आज हमारे देश की भी बात करें तो उत्तराखंड से लेके केरला तक हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस का ये फोकस है कि इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल यानी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं हुआ था तो उसके आगे इतना ही रखें। इस सब की शुरुआत जैसे मैंने कहा एक सम्मेलन के साथ हुई, एक कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार 1992 में हुआ, ये ब्राजील में हुआ, और तब पूरे देशों ने ये सोच ये डिसाइड कर लिया, निर्णय लिया और साइन भी किया, हस्ताक्षर भी किए। लगभग 155 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया कि हम इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, हम पूरे अपनी एक प्लानिंग करेंगे और इसको कम करेंगे। और इसे हम इसकी ऐसी शुरुआत हुई सीओपी की। तो उसके बाद हर एक साल एक सीओपी होता है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, और हर साल वो कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ कुछ निर्णय लेते हैं, अपना एक्शन प्लान को बेहतर करते हैं। लेकिन पूरी इस हिस्ट्री में, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में आज तक जितना भी टाइम हुआ उसमें सिर्फ 3 कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जिसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, दूसरी वसुंधरा परिषद बोलते हैं, दूसरी ये 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुई। दोस्तों वो इसलिए जरूरी है कि अब तक 92 से लेकर 97 तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं थे, कोई ठोस ऐसा एक्शन प्लान नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है, ये डिफाइंड नहीं था, लक्ष्य टारगेट्स रखे नहीं गए थे। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल पहली ऐसी परिषद थी कि जिसमें पूरी दुनिया को, देशों को ये टारगेट दिए गए और लगभग सभी देशों ने इसके ऊपर काम चालू सब साइन किया। और उसके बाद अब ये क्योटो प्रोटोकॉल होना था 2020 तक, लेकिन बीच में एक परिषद जिन्होंने ये सभी चीजों को बहुत बदल के रख दिया वो थी पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस में जो सीओपी हुई थी वो जो 2015 में फ्रांस में हुई थी। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ऐसी हर साल सीओपी होती है, हर साल ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है। अब इस यूनाइटेड नेशंस के ये सभी जो देश है, ये सभी देश 3 कैटेगरी में उनको आम कैटेगराइजेशन करते हैं। एक तो वो देश जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप्ड है, दूसरी कैटेगरी एक वो देश कि जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप्ड है और इनके पास काफी पैसे भी है कि जो गरीब लोगों को या बाकी के ऐसी जो चीज, ऐसे जो काम हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उसको पैसे दे सकते हैं या उनको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, और इनको कहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस विथ स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तीसरी जो कैटेगरी है वो डेवलपिंग नेशन, जो अभी तो बहुत ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में कर सकते हैं, और उनको ये जो डेवलपमेंट है वो प्रदूषण के साथ देख के करनी है। इसके अलावा इसकी कुछ एक कैटेगरी है Annex 1, Annex 2, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल यानी ऐसा एक प्रोटोकॉल, एक ऐसी ब्लू प्रिंट, ऐसा टारगेट ब्लूप्रिंट
ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने बनाया कि जो पूरे दुनिया में अभी तक चल रहा था, जिसके ऊपर ये सभी टारगेट, ये सभी काम कर रहे हैं। और इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हर देश को अपने टारगेट्स दिया। क्या टारगेट दिया कि आपको अपने ये जो गैसेस है वो कितने कंट्रोल करने हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो स्पेसिफिक बोलिए ना, तो स्पेसिफिक यानी कौन से वो गैसेस है, कौन से वायु है जो इसको कराते हैं। तो ये 6 कैटेगरी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो उन्होंने वो 6 गैसेस वो कंफर्म किए, वो डिफाइन किए कि देखो ये 6 गैसेस है, आप सभी देश को इन 6 गैसेस के ऊपर काम करना है। और वो गैसेस कौन से, यही कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर फ्लोराइड। और 2 कैटेगरीज है, वो एक गैस नहीं, तो उसकी कैटेगरी है, उसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। तो ऐसे 6 टाइप के गैसेस है जिनको कम करना था। और इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, 76% इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कराता है। यानी जितना भी आप ये देख रहे हैं, जितना भी अभी डैमेज हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड। जो 76% का 65% आता है कहां से, ये ईंधन से। 65% ये जो बर्बाद करने वाला गैस तैयार हो रहा है, ये अपने ईंधन की वजह से हो रहा है। और आज हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, ये बस इस ईंधन को रिप्लेस करने वाला ही काम कर रहे हैं। और बचा हुआ जो 11% है वो आता है फॉरेस्ट्री और लैंड यूज से। उसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। दूसरे क्रमांक पे है मिथेन, 16% मिथेन आता है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। और ये मिथेन आता कहां से, 16%। तो दोस्तों कोई भी ऐसी चीज जो सड़ती है, जो खराब होती है, उससे मिथेन जनरेट होता है। आप अपने खेतों में जो फसल काटते हो, निकालते हो, और जो कचरा वहां रहता है फसलों का, वो भी जब सड़ता है उससे मिथेन निकलता है। आज हम लोग गायों, गाय भैंस जो होती है उसकी, उनका जो गोबर होता है उससे गोबर गैस या इसी मिथेन के, मिथेन को बनाते हैं। लेकिन सोचिए सिर्फ गाय नहीं, हर एनिमल, हर प्राणी, उनके टॉयलेट से इस मिथेन का उत्सर्जन होता है, और इस मिथेन जनरेट होता है और वो हवा में जाता है। और सबसे बड़ा प्राणी आज की तारीख में कौन सा है, वो है हम, वो है मनुष्य। आज मनुष्य के विश्राम में से और टॉयलेट्स में भी बहुत सारा मिथेन जनरेट होता है। हमारे सभी शहरों में, सभी जगह जो सॉलिड वेस्ट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, एसटीपी प्लांट जो हम लोग बोलते हैं, ये सभी प्लांट्स इस मिथेन के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। लेकिन जो आज की तारीख में ऐसे चल रहा है कि मिथेन चल रहा है, जा रहा है ऊपर पर्यावरण में, और ग्लोबल वार्मिंग करवा रहा है। आपके सभी जो कंपनी है, जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम बायोफ्यूल स्टेट से शुरुआत करेंगे, आप सभी आने वाले दिनों में ये एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम करने वाले। आप सभी लोग आने वाले दिनों में ये सभी चीज एसटीपी को फैक्ट्री में बदलने वाले हैं। वो कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की ऐसी शुरुआत हुई, और उसमें 2 कमिटमेंट पीरियड थे। पहला कमिटमेंट पीरियड था 208 से 2008 से लेकर 2012 तक। आप सोचेंगे कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई, और उनका पीरियड कमिटमेंट शुरुआत कैसे, कब हुई, 2008 में, इतना टाइम।